लगता है मेरा कभी, मेरे को बहुत अंदर से भर गया था, लेकिन मैं कभी रो नहीं सकती थी, निकल नहीं सकता था, लेकिन आपका जो म्यूजिक वाला संवाद वाला जो ट्रीटमेंट किया उसके बाद में मेरे को ऐसे लगा कि मैं, एक दिन लगा मेरा अटक गया, दूसरे दिन लगा ज्यादा अटक गया, तीसरे दिन लगा मैं भगवान के साथ बात कर सकती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर संदीप हासे, स्वागत करता हूँ आपका मर्मवेदा कायरोप्रैक्टिक अपने चैनल पे। आज हमारे यहाँ रंजन सावला जी है, वो बॉम्बे से है। ओके, तो रंजन जी आपको क्या तकलीफें थी पहले? मेरे को 10 साल से कमर का बहुत दर्द था, मैं 4 बार गिर गई थी। ओके, दोनों घुटना ऑपरेशन के बाद मैं चल नहीं सकती थी और कमर से मेरे को बहुत पेन था और मेरा 2-4-5 में मैंने क्रिमेंटिंग करवाया। Okay. लेकिन लास्ट में कुछ नहीं हो सकता था, नहीं ऑपरेशन, नहीं अच्छा नहीं हो सकता था। मैंने पहले दिन आप आए थे देखा था, तो आप हाथ लगाए तो भी चिल्लाते थे। हाँ, मेरे को दर्द इतना था, लेकिन ये 8 दिन में मेरे को ऐसे लगा। आप कैसा लग रहा है, आप कैसा लग रहा है? अब कैसे मैं फ्रेश हो गई हूँ कि मेरे को लगता है कि मैं इतना डॉक्टर के पास गई हूँ, इतना दवा गोली खाया है, ये बिना दवा और बिना दवा गोली के बिना इतना अच्छा हो गया कि मेरे को लगता है कि भगवान मिल गया, मेरे को स्वर्ग मिल गया ऐसा लगता है। हर कोई आपका बिलीव सिस्टम इतना बड़ा है ना, तो आप इससे ठीक हो रहे हो। और मेरे को इतना ऐसे लग रहा था कि मैं ये ट्रीटमेंट कभी करवाया नहीं है। आयुर्वेदिक में गई हूँ, नेचुरोपैथी में बहुत गई हूँ और मैंने ये सब किया है। तो जो आपने ये ट्रीटमेंट है थोड़ी अलग तरीके से है, हम पूरा मैकेनिकल फॉल्ट के साथ जो स्ट्रक्चरल इंजरी है और डीप टिश्यू हीलिंग तक हम चले जाते हैं। तो आपको ये ट्रीटमेंट कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? अभी तक तो सुना नहीं था कि ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी है, नहीं कभी यूट्यूब में देखा था, लेकिन जिसने करवाया उन्होंने बताया कि इतना 35 साल का जूना दर्द था वो स्टेट हो गए सर्वाइकल में। हाँ, तो उनको देखने के बाद ही मेरे को लगा कि मेरे को भी बहुत ज़रूरत है करने का। उन्होंने बोला चलो मैं लेके जाता हूँ दिखाने के लिए। हाँ, और इतना आपसे बात किया तभी लगा कि नहीं, यही डॉक्टर सही करके देंगे। और इधर करने के बाद ऐसे लगा कि सच्ची ना मैं इतनी हल्की फुल्की हो गई हूँ कि मेरे को दर्द मालूम ही नहीं अभी। और विशेष बात यह है कि पहले दिन आपकी बॉडी पे सूजन थी, शरीर फुला हुआ सा दिख रहा था, अभी वजन भी कम हुआ है। मेरे को खुद को ऐसे लग रहा है कि मेरा माइंड हल्का फुल्का हो गया, मेरा बॉडी फुल हो गया, हल्का फुल्का रिलीज भी हो गया आपको, और मेरा कमर का दर्द भी चला गया। ऐसे लगता है मेरा कभी, मेरे को बहुत अंदर से भर गया था, लेकिन मैं कभी रो नहीं सकती थी, निकल नहीं सकता था, लेकिन आपका जो म्यूजिक वाला संवाद वाला जो ट्रीटमेंट किया उसके बाद में मेरे को ऐसे लगा कि मैं, एक दिन लगा मेरा अटक गया, दूसरे दिन लगा ज़्यादा अटक गया, तीसरे दिन लगा मैं भगवान के साथ बात कर सकती हूँ। लेकिन जो चौथे दिन जो रिलीफ हुआ वो ऐसे लग रहा है कि मैं, अभी तक मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ जो इतना इमोशन बाहर निकला कि मैं इतनी रो कैसे रो रही हूँ मेरे को नहीं मालूम। मैंने बहुत कंट्रोल किया कि मैं नहीं रोऊंगी, मैं एक आंसू भी बाहर नहीं निकालूंगी, लेकिन मालूम नहीं आपके ट्रीटमेंट में क्या इतना भगवान का क्या हाथ था कि इतना सब बाहर आ गया इमोशनल, और मैं इतना निकल गया मेरा, और मैं इतनी हल्की फुल्की हो गई कि जो रिलीफ हुआ है वो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट में यही ज़्यादा सबसे ट्रीटमेंट अच्छा था। बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा मैं सबको बोल सकती हूँ कि आप इधर आओ, ये ट्रीटमेंट कराओ, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, आज अपन एक पूरा ट्रीटमेंट का सेशन लेते हैं और आपका आज लास्ट डे, आपका जर्नी के लिए अच्छा प्रवास हो आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज मिलने आइए हमें, पक्का आएंगे। चलो फोकस है, प्री सांस पे ध्यान दीजिए, खाली किसी सांस अंदर लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है आपको। हेड की तरफ जो मूवमेंट चल रही है उसे महसूस कीजिए। वी चेक द लेवल, ये बाजू थोड़ी स्टीप है।
दूसरी बाजू।